हे एवरीवन, दिस इज आयुषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोग से बात करने वाली हूँ गुड वाइब्स के नीम प्यूरिफाइंग फेस वॉश के बारे में। सबसे पहले इस प्रोडक्ट के पैकेजिंग प्राइस एंड क्वांटिटी की बात करते हैं। तो इस प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस है 195 रुपीज, बट पर्पल में आपको ये सेल में 170-130 के आसपास मिल जाएगा। एंड इसकी क्वांटिटी है 120 ml। एंड इसकी पैकेजिंग देखिए, ये इस तरह की प्लास्टिक बॉटल में आता है जिसमें आपको ये पंप का ऑप्शन मिलता है। तो इसको आप जितना अमाउंट में चाहो उतना यूज कर सकते हो। थोड़ा सा मुझे ट्रैवल फ्रेंडली नहीं लगा, बिकॉज अगर आप इसको लॉक करके रखते हो तो भी ये थोड़ा थोड़ा फेस वॉश निकल जाता है। तो थोड़ा सा इसको आपको अगर ट्रैवल के टाइम पे यूज़ करना है तो आप इसको अच्छे से रैप करके लेके जाओ, क्योंकि ट्रैवल फ्रेंडली तो बॉटल के हिसाब से है, बट ये इसमें से गिर जाता है पंप में से, तो इसलिए ट्रैवल फ्रेंडली पूरा नहीं है। आपके कपड़े वगैरह खराब हो सकते हैं आप जहाँ भी इसे रखोगे। सो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट की बात करें तो ये पैराबेन एंड सल्फेट फ्री होते हैं, क्रुएल्टी फ्री होते हैं एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। सो नीम फेस वॉश की बात करें तो नीम एक्चुअली हम यूज़ करते हैं, ये एज ए एंटीबैक्टीरियल यूज़ किया जाता है। अगर आपको पिंपल्स की, आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो ये नीम का लोग यूज़ करते हैं। नीम के पानी को यूज़ करते हैं लोग बॉयल करके, नीम के फेस पैक यूज़ करते हैं, नीम के स्क्रब यूज़ किए जाते हैं। सिर्फ सारी प्रॉब्लम जो होती है एंटीबैक्टीरियल, अगर आपके स्किन में कुछ है तो उनको ट्रीट करने के लिए नीम यूज किया जाता है। बहुत टाइम से, एंशिएंट टाइम से लोग यूज करते हैं। और गुड वाइब्स में आपको बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये गुड वाइब्स का नीम फेस वॉश मैंने बहुत जल्दी में, अभी रिसेंटली में ही मैंने इसे परचेज किया है। मुझे लगता है शायद फेब लास्ट में मैंने इसे परचेज किया था। एंड इसको परचेज करने का सिर्फ मेरा मोटिव था कि मैं अपने पिंपल्स, जो मेरे एक्टिव पिंपल्स हैं और मुझे पिंपल्स बार बार हो जा रहे हैं, एक सही हो रहा है फिर दोबारा हो जा रहा है, उसको मैं इससे ट्रीट कर सकूं। जैसा कि इसमें मेंशन है कि ये जो है ऑयली स्किन के लिए बेनिफिशियल है, एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेनिफिशियल है, और ये जो आपकी ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम हो, एक्ने की प्रॉब्लम हो, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो, और अगर स्किन में आपका कोई इन्फेक्शन हो, वो प्रॉब्लम हो, तो उनसे ये फाइट करेगा, उनको दूर करने की कोशिश करेगा। सो इस प्रोडक्ट को यूज करने का सिंपल सा तरीका है जैसे आप फेस वॉश यूज करते हो, जस्ट आपको अपने फेस को वेट करना है एंड इसके बाद आपको ये एक थोड़ा सा अमाउंट लेकर के इसे अपने हाथों में रब करके अपने पूरे फेस पे से अप्लाई करना है। एंड इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको 2 मिनट के बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। जैसे नॉर्मली आप और क्लिंजर आप जो भी यूज़ करते हो आप उसी की तरह इसको यूज़ करोगे। मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम्स आप इसको यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट के फीडबैक की बात करूँ तो इस प्रोडक्ट को मैं अप्रॉक्स 1 मंथ से यूज़ करी, जैसा कि मैंने बताया। तो अगर आपको ऑयल की वजह से, सीबम की वजह से आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, या फिर आप ऑयली स्किन है बस आप अपने फेस पे डर्ट को क्लीन करना चाहते हो, इम्प्योरिटीज़ को क्लीन करना चाहते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, और खासकर अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये बिल्कुल भी आपको सूट नहीं करेगा, उल्टा ही आपको ब्रेकआउट्स दे देगा। और ड्राई स्किन इसको जब आप यूज़ करोगे तो यूज़ करने के बाद जब अपने फेस को आप वॉश करोगे तो बहुत ही फेस आपका बहुत खिंचा खिंचा लगेगा, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है इसकी वजह से। तो ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी स्किन से वो ऑयल, जो एक्स्ट्रा ऑयल है, एक्स्ट्रा सीबम जो क्रिएट होता है स्किन में, वो ये दूर कर देता है। बट ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, खासकर विंटर में आप यूज़ करो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और समर्स में भी नहीं अच्छा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। मेरी स्किन तो एक्चुअली कॉम्बिनेशन स्किन है, तो बस आपको चीक्स एरिया पे बहुत ज़्यादा ये ड्राई लगता है और बिल्कुल खिंचता है। जब तक आप कोई मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ करोगे तब तक ये आपकी स्किन खिंचती रहेगी, तो इसलिए ये ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। कॉम्बिनेशन वाले भी इसको अवॉइड कर सकते हैं। एक्ने अगर आपको ऑयल की वजह से हैं, ऑयली स्किन की वजह से हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज अगर आपके एक्ने, आपको यू नो हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है, आपको ब्रेकआउट्स हुए हैं, किसी का रिएक्शन हुआ है, तो इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। बट यस, अगर आपको कोई एक्टिव पिंपल है तो अगर आप इसको 2 दिन यूज़ कर लोगे तो वो एक्टिव पिंपल आपका दब जाएगा, वो बिल्कुल सूख जाता है, बट उसके बाद आपको दूसरा पिंपल हो सकता है अगर आपको किसी और वजह से पिंपल हो रहे हैं। ये पिंपल्स को बिल्कुल भी नो जड़ से नहीं ख़त्म करता है, बट जो एक्टिव पिंपल्स हैं उनको ये ड्राई करने में हेल्प कर देता है, इतना ही इसका वर्क है। और ऑयली स्किन एक्चुअली मेरी है नहीं, बट मुझे इसको यूज़ करके ऐसा लगा कि ऑयली स्किन वालों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि अगर वो ऑयल, जो एक्स्ट्रा ऑयल उनके फेस पे होता है, स्किन पे होता है, जो एक्स्ट्रा सीबम उनकी स्किन में बनता है, उसको अगर ये ड्राई मीन्स उसको बाहर कर देगा, उसको सोख लेगा, तो जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है ऑयल की वजह से वो नहीं होगी, बहुत कम हो जाएगी एक्चुअली।
और ड्राई स्किन वालों के लिए तो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है ये। इस फेस वॉश का यूज़ करते समय आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी आप आईज़ के कॉन्टैक्ट में ना आए, बिकॉज इससे आपको थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है, आपकी आईज़ में थोड़ा सा जलन हो सकती है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नीम का प्रोडक्ट है तो मे बी आईज़ में जाने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इस ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट मेरा ये रिकमेंडेशन है कि कोई भी स्किन वाले अगर इसको यूज़ करते हैं तो उसका पैच टेस्ट ज़रूर करें, बिकॉज नीम भी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, किसी किसी के लिए ये अच्छा भी हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, अमृत हो सकता है, और किसी किसी के लिए ये अच्छा नहीं भी हो सकता है। सो आप इसको पैच टेस्ट करके तभी यूज़ करें। गाइस ये था आज का वीडियो गुड वाइफ नीम प्यूरिफाइंग फेस वॉश के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस प्रोडक्ट को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर इसे ईजिली परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।